हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 7 जून 2020 और आज के डेट के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू WTO। तो अभी ब्रजेंद्र नवनीत जी को इंडिया का न्यू एम्बेसडर WTO में नियुक्त कर दिया गया है। इसके पहले ब्रजेंद्र नवनीत जी ने जो PMO ऑफिस है उसमें एक जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में अपनी सर्विस दी थी। और बात करते हैं WTO की। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और WTO के डायरेक्टर जनरल हैं एल्बर्टो एजेवेडो। ये थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एथलीट हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बाय AFI। तो अभी हाल ही में AFI यानी कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए रिकमेंड किया है। नीरज चोपड़ा जो है एक ट्रैक फील्ड एथलीट हैं जो जेवलिन थ्रो में कम्पीट करते हैं, और उन्होंने 2018 के एशिया गेम में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और गोल्ड मेडल भी जीता था। वहाँ उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था 88.06 मीटर का। इसके अलावा 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में भी उन्हें गोल्ड मिला था। और जो AFI है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। इसका आंसर है गाइस आपका 3, सिंघुआ यूनिवर्सिटी। सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है अभी हाल ही में जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की लिस्ट में। सिंघुआ यूनिवर्सिटी एक चाइना की यूनिवर्सिटी है जो कि बीजिंग में है। ओके, बात करें इंडिया की तो इंडिया की तरफ से IISc बेंगलोर ने टॉप किया है जिसकी रैंक थी 36। और इसके अलावा टोटल 8 इंडियन इंस्टीट्यूट थे इस लिस्ट में। और इसके अलावा जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है ये भी, इसकी रैंक थी 2nd, ये भी बीजिंग चाइना में है। और जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है इसकी रैंक थी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर सागर पास्ड अवे रिसेंटली एट 70, ही वॉज अ ग्रेट लिरिसिस्ट। जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड समर ट्रीट्स कैंपेन। तो अभी हाल ही में HDFC ने लॉन्च किया है समर ट्रीट्स कैंपेन। HDFC की बात करें तो HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और इस बैंक के जो CEO हैं वो है आदित्य पुरी। ओके, और जो टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड।
तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो अभी हाल ही में राजीव टोपनो को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे वर्ल्ड बैंक में अपॉइंट किया गया है। इसके पहले ये पीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी थे और अब ये मूव कर चुके हैं वर्ल्ड बैंक में। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी जो कि है यूएसए में। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड आर मालपास। डेविड आर मालपास ये जो हैं गाइस, ये 13th नंबर के प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। और वर्ल्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1944 में। ये थे वर्ल्ड बैंक से जुड़ी कुछ बातें। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट आईओसी फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड। आईओसी का मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो हर साल 6 जून पे जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आईओसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आईओसी का जो हेडक्वार्टर है वो है लॉशेन स्विट्जरलैंड। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं आईओसी के वो हैं थॉमस बैक। और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1894 में। ओके, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आबू धाबी बेस्ड फर्म विल इन्वेस्ट $1.2 बिलियन दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9,093 करोड़ रुपीज़ इन जियो प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर है गाइस आपका 3, मुबादला इन्वेस्टमेंट्स। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली इंडियन एक्टर इन द फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़। तो फोर्ब्स की 2020 की जो लिस्ट है वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ की, उसमें सिर्फ एक ही इंडियन एक्टर हैं और वो हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की जो रैंक है इसमें वो है 52nd, और इनका जो पेमेंट है वो है 336 करोड़, यानी जो नेटवर्थ है वो है 336 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC विल इन्वेस्ट डैश इन इंडिया। तो अभी हाल ही में DFC ने अनाउंस किया है कि वो 350 मिलियंस, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, $350 मिलियन इन्वेस्ट करेगी इंडिया में। ये अमाउंट इंडिया में ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में जो है तो वो इन्वेस्ट करेगी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। जो DFC है इसे अमेरिकाज डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। अमेरिका डेवलपमेंट बैंक तो इसी ने अभी डिसाइड किया है कि जो $350 मिलियन हैं वो इंडिया के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 2022 AFC वुमेंस एशिया कप। तो 2022 में जो AFC वुमेंस एशिया कप है उसको होस्ट करेगा अपना ही देश इंडिया। ओके, AFC का जो फुल फॉर्म है वो है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, और इसकी भी पैरेंट कंपनी जो है वो है फीफा।
इसके पहले इंडिया ने 1979 में होस्ट किया था AFC वुमेन्स एशिया कप को। 1979 के बाद ये पहली टाइम है जब इंडिया को होस्ट करने का मौका मिलेगा 2022 में। बात करते हैं AFC की, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है कुआला लंपुर में, कुआला लंपुर यानी मलेशिया। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1954। तो गाइज़ ये थे 7 जून 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 को भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू गाइज़।